आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। सो क्वेश्चन so आप लोग को कुछ ऐसा दिया है। रिएक्शन, चार ऑप्शन so आपका से आता है। so इस को करने के लिए आपको रिएक्शन थ्योरी के बारे में कुछ चीजें होनी चाहिए तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा सो एक बार चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं रेट ऑफ़ द स्लोएस्ट स्टेप रेट ऑफ द फास्टेस्ट स्टेप एवरेज रेट ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द रेट ऑफ द लास्ट स्टेप बेसिकली आपका जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है उसमें जो भी फैक्टर्स होते हैं वो किसकी रेट पर डिपेंड करते हैं तो रेट यहाँ पर हो सकती है या तो स्लोएस्ट स्टेप की या तो फास्टेस्ट स्टेप की या फिर एवरेज रेट ऑफ ऑल स्टेप्स या फिर लास्ट स्टेप की रेट सो रेट लॉ एक्सप्रेशन में इनमें से कौन सी रेट आएगी तो बेसिकली आपका जो इसका आंसर होगा आपको पहले से ही पता होना चाहिए क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में रेट निकालना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सो so बेसिकली कोई भी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप हो अगर मल्टी स्टेप मतलब इसको हम नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं किसी भी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन का रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ये जो स्लोएस्ट स्टेप होता है इसको हम आर भी बोलते हैं आर का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप सो बेसिकली आपकी जो रिएक्शन रेट है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से निकाली जाती है एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोएस्ट स्टेप सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर वन रेट ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता क्या है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम एक uh, फोटो हेलोजिनेशन रिएक्शन को देख के कोशिश करेंगे समझने की सो बेसिकली फोटो हेलोजिनेशन में क्या होता है आपका कोई मान लीजिए बी आर टू है इसको आपने एच नू में मतलब लाइट में एक्सपोज करा सो so ये टू बी आर रेडिकल्स में टूट गया अब यही बी आर रेडिकल जब आपका हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं सो so आपका दो मोल एच बी आर बना देते हैं सो so अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली इस रिएक्शन में दो स्टेप्स हैं यहाँ पे हैं बी आर टू गिव्स टू ब्रोमीन रेडिकल एंड यही दो ब्रोमीन रेडिकल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव टू मोल एच वी आर सो यहाँ पर जो ब्रोमीन रेडिकल है इंटरमीडिएट है क्योंकि ये देखिए एक स्टेप में ये बन रहा है दूसरे स्टेप में ये कंज्यूम हो रहा है फाइनल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कहीं भी आपको ब्रोमीन रेडिकल नहीं देखेगा जो फाइनल रिएक्टेंट प्रोडक्ट होगा सो बेसिकली ये इंटरमीडिएट है एंड आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा आर डी एस वो आपका होगा फर्स्ट वाला जहां आपको बी आर टू को तोड़ना पड़ता है दो रेडिकल में क्योंकि बी आर वी आर का बॉन्ड तोड़ने में रिलेटिवली इन पूरे रिएक्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी क्यों क्योंकि ये बॉन्ड टूटने के बाद दो बहुत ही अनस्टेबल चीज़ें जनरेट कर रहे हैं जो है ब्रोमीन रेडिकल और कोई भी रिएक्शन कभी भी अनस्टेबल प्रोडक्ट देना नहीं चाहता है क्योंकि उसका जो प्रोसेस का डेल्टा जी होता है जो होता है गिब्स फ्री एनर्जी वो नेगेटिव होता है सो so बेसिकली एक अनफेवरेबल प्रोसेस है एंड इसको कराने के लिए आपको बहुत ही एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे सॉरी डेल्टा जी पॉजिटिव होता है एंड आपको बहुत ही एनर्जी देनी पड़ेगी जिससे डेल्टा जी आपका नेगेटिव हो जाए सो so बेसिकली अगर आप ज़्यादा एनर्जी देंगे जो एच यू के फॉर्म में है यहाँ पर तो भी वो दो बी आर रेडिकल में टूटेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ले रहा है दैट मीन्स सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप है एंड सबसे ज़्यादा स्लो स्टेप आपका आर स्टेप होता है So basically, आपका जो slowest step है वो होगा करेगा तो इसका correct answer आ जाएगा लेके नीट आई आई टी जेई मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट ऐप या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर